नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो हिंदी व्याकरण ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 16, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मुहावरे, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को परिलक्षित करता है तब वह मुहावरा कहलाता है। नीचे कुछ मुहावरे अर्थ व वाक्य प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करो। तो बच्चों, आपको यहाँ जो ये मुहावरे दिए हुए हैं इनका अध्ययन भी करना है और इन्हें याद भी करना है। तो सबसे पहले है अंग अंग ढीला होना। यहाँ बताया है साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को परिलक्षित करता है, मतलब इसका कुछ विशेष अर्थ है, तो वही हम जानेंगे। अंग अंग ढीला होना, अत्यधिक थक जाना। सारा दिन चलने के कारण पारस का अंग अंग ढीला हो गया, मतलब पारस बहुत अधिक थक गया। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। अपने बच्चे की तलाश में माता पिता ने आकाश पाताल एक कर दिया। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। वह हमेशा अपनी जली कटी बातों से आग में घी डालने का काम करता है। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। विकास के झूठ बोलने पर उसके अध्यापक आग बबूला हो गए, मतलब अत्यंत क्रोधित हो गए। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। जब हम किसी का प्रेम से स्वागत करते हैं तो उसे कहा जाता है कि आंखें बिछा दी अपनी। जब प्रीतम जापान से लौटा तो उसके भाई भाभी ने आंखें बिछा दी, मतलब उसका प्रेम से स्वागत किया। आस्तीन का सांप धोखेबाज मित्र के लिए ये कहा जाता है। सुरेश पर भरोसा मत करो, वह आस्तीन का सांप है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। रोहित अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। जब मैंने दीपक से अपने रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ इनकार कर दिया। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। बच्चे अपनी माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जब कोई बहुत दिनों के बाद दिखता है तो हम कहते हैं, अरे भाई कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। सैनिकों ने युद्ध में शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। उंगली पर नचाना, वश में करना। प्रमिला अपने पति को उंगली पर नचाती है। कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। जवान पुत्र के निधन से वेदराम की तो कमर ही टूट गई। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। मेरी खराब हालत देखकर शायद उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना, कल्पनाओं में डूबना। जो व्यक्ति कल्पनाओं में डूबता है उसके लिए कहा जाता है, केवल ख्याली पुलाव पकाने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। गांठ बांधना, बात याद रखना। अच्छी सलाह को गांठ बांधने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। गाल बजाना, व्यर्थ की तारीफ करना। गाल बजाने वाले से सदा सावधान रहो। गले का हार, बहुत प्यारा। हरीश अपने माता पिता के गले का हार है। घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना। कैलाश के उत्तीर्ण होने पर उसके घर में घी के दीप जलाए जा रहे हैं। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। सुंदर को मूर्ख बनाना आसान नहीं। उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, अर्थात कि वह बहुत अधिक अनुभवी है। अब आ जाते हैं लोकोक्तियों पर। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। सामान्यतः यह जन साधारण के जीवन पर आधारित कहावत होती है जिसका प्रयोग किसी विचार के समर्थन में किया जाता है।
जिसके कथन में विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। इनका प्रयोग प्राय स्वतंत्र वाक्यों के रूप में होता है। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अध्ययन करो। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब वस्तु का आवश्यकता से कम होना। खली की खुराक है 2 लीटर दूध और तुम उसे इतना सा दूध दे रहे हो, यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ होना। मैं अपने काम से मुंबई तो जा ही रहा हूँ, साथ में तुम्हारी बहन से भी मिलाऊंगा, यानी एक पंथ 2 काज। एक अनार 100 बीमार, चीज कम चाहने वाले अधिक। इस इलाके में एक ही नल है जहां हमेशा भीड़ लगी रहती है, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज कम है चाहने वाले अधिक हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति ही दूसरे में दोष निकालते हैं। बहुत अच्छे, मुझे ही टक्कर मारी और चिल्ला भी मुझ पर रहे हो, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। उससे क्या लेख पढ़वा रहे हो, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोरी की बात सुनकर वह तुरंत अपनी सफाई देने लगा। मैं समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। थोता चना बाजे घना, अयोग्य ही अपनी प्रशंसा करते हैं। गीता की बातों का विश्वास मत करो, उसे सिर्फ बोलना आता है। थोथा चना बाजे घना। तो चलिए बच्चों, अब आप बताएंगे क्या पढ़ा क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब आप फिर से मुहावरे और लोकोक्तियों की परिभाषा का पुनः पाठन करके इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। मुहावरे का क्या अर्थ है और लोकोक्ति किसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। आस्तीन का सांप, आकाश पर भरोसा मत करो, वह आस्तीन का सांप है, मतलब धोखेबाज मित्र है। गांठ बांधना याद रखना, हमें अपने बड़ों की सी गांठ बांध लेनी चाहिए। घाट घाट का पानी पीना, इसका वाक्य में प्रयोग बच्चों आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए उपयुक्त मुहावरा लिखो। अत्यंत क्रोधित होना आग बबूला होना, क्रोध को और भड़काना आग में घी डालना, वश में करना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखो। थोता चना बाजे घना, अयोग्य ही अपनी प्रशंसा करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदा भयभीत रहता है। एक पंथ 2 काज, इसका भी अर्थ आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों आप अच्छे से मुहावरे और लोकोक्तियां याद करेंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।